राकेश जी, आज नीता जी से मुलाकात हुई, क्या आप लोगों की बातचीत रही? बातचीत ये रहा भाई, ये पॉलिटिकल इशू है सब, और राजनीति में ये सब होता है। अत्याचार के खिलाफ संजय सिंह का संघर्ष है, वो जारी रहेगा। वो जेल में रहे या जेल से बाहर रहे, इनके परिवार को भी कहा कि जो बच्चे भी हमने देखे कि बेटी बेटा बाहर अपने काम छोड़ के पढ़ाई रो करके आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना जाओ अपना काम करो, और इसमें ना टेंशन लेने की जरूरत है। संघर्ष है, कितना लंबा चलेगा इसका कुछ नहीं पता, अपने करियर को ना करो और अपना जाओ। यही इनको कहा है, उनकी मिसेज है साथ में, उनको कहा है कि आप अपना लोगों से मेल जोल रखो, मिलते जुलते रहो, सब अपनी बात बताते रहो और कोर्ट पर विश्वास रखो। अरे अरे, उत्तर प्रदेश से ही संजय सिंह आते हैं, वहीं पे आपकी भी एक्टिविज्म की जन्मभूमि है, तो वहाँ क्या कुछ मैसेजिंग भी इस मुद्दे को लेकर? देखो, पूरा सबको मैसेज ये है कि जो आदमी इस मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलेगा, या तो सरकारी पार्टी में शामिल हो जाएगा, भारत सरकार की पार्टी में, और या जेल जाएगा, या उसको परेशान करा जाएगा, ये सबको पता है। संजय सिंह लगातार किसानों के साथ खड़े रहे हैं, तो किसान जो किसान नेता है यूपी के, या पूरी तरह से साथ है संजय सिंह? नहीं नहीं, साथ हैं, जिसके खिलाफ भी अत्याचार होगा। हम तो हारी हुई फौज के कमांडर हैं भाई, जिसके खिलाफ अत्याचार होगा हम उसके साथ में खड़े हुए। सर, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, कल एक रेल परियोजना का उद्घाटन हुआ, रैपिड रेल नमो भारत के नाम से, नरेंद्र मोदी जी। नहीं नहीं, ठीक है, योजनाएं हैं, चलनी चाहिए। योजना कौन चलाएगा, कोई श्रमदान से थोड़ा चलेगी भाई, सरकारी पैसा लग रहा है। ठीक है, जितनी योजनाएं बने, दिल्ली में भी बनी है ना, दिल्ली में भी मेट्रो चली है, तो आज दिल्ली का कुछ सुधार हुआ है। सर, उस विपक्ष के नाम पर बहुत सवाल उठ रहे थे, विपक्ष कह रहे हैं नमो नाम क्यों रख दिया? अरे, अब नाम तो भाई जिसका वो है, अपने तरीके से नाम रखेगा, इनकी आ जाएगी बदल लेना, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि काम करें, वे तो नाम रखेंगे, दूसरे वाला अपना रखेगा, तीसरे वाला अपना रखेगा, अपना नाम तो आदमी बढ़ाता ही है। काम करो, काम की क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए, जनता को समर्पित करते चल जाओ, और देश में कानून को मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, कोर्ट कचहरियों को मानना चाहिए, जो संस्थाएं हैं उनको मानना चाहिए। उनको अगर प्रेशर में लोगे तो जनता ऑब्जेक्शन करेगी, सवाल उठाएगी। देश में लोकतंत्र के कोई माने नहीं रहे, देश में संविधान के कोई माने नहीं रह रहे, उनके साथ में छेड़खानी हो रही है। सर, अपने जैसे पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो आपने जो बीजेपी के अगेंस्ट में आपने प्रचार किया था वहाँ पे? नहीं नहीं, हमने ये कहा था, उन्होंने हर घर से एक मुट्ठी चावल मांगे। हमने बंगाल के लोगों को ये कहा कि आप इसकी MSP गारंटी कानून मांग लो, भाई आप चावल मांग रहे हो तो इसका जो कानूनी अधिकार है वो दे दो, ये कहा हमने। सर, ये क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जारी रहेगा आप लोगों का? जहाँ जहाँ की सरकारें खिलाफत करेगी, हमने कहा कि MSP गारंटी कानून देश में होना चाहिए। हमने कहा कि बाजरे का किसान को रेट क्यों ना मिले, बिहार में और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में 800 रुपए से 1200 रुपए पे धान की खरीद होती है जी, वहाँ पे सस्ते की खरीद होती है और यहाँ पे महंगे में MSP के नाम पे बेचते हैं, वो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के किसानों को भी मारते हैं और वहाँ के किसानों को भी। हमने कहा कि बिहार में तो इनकी सरकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने वहाँ की मंडी जो बाजार समिति है उसको ख़त्म किया। हमने कहा कि 2 महीने का टाइम नीतीश कुमार के पास में है, या तो मंडी बहाल कर दे, नहीं तो आंदोलन उसके खिलाफ भी होगा। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है, जो आदमी ठीक काम करेगा उसका सपोर्टर करेंगे, जो आदमी गलत काम करेगा, जो भी सरकार गलत काम करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि BJP में कोई सारे खराब है, इनका मुख्यमंत्री था निशंक, उसने कहा कि गन्ने का आंदोलन मेरे यहाँ मत चलाओ, मायावती की सरकार थी उसने कहा कि यहाँ चलाओ उत्तर प्रदेश में, हमने मूवमेंट चलाया, 40 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया, अगले साल फिर 40 बढ़ाया। उसने कहा कि जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में रेट बढ़वाओगे हम 10 रुपये ज़्यादा देंगे, तो वो भी मुख्यमंत्री था, वो BJP का था। कोई भी मुख्यमंत्री ठीक काम करेगा उसको फुल फ्लैश पावर होनी चाहिए। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जीत का आया इसको कोई काम करने दे रहे? क्या देश और दुनिया देख नहीं रही कि केजरीवाल सरकार के साथ में क्या हो रहा? क्या इनका सपोर्ट करना कोई अपराध है? ये चुनी हुई सरकार है, जिस तरह से चुनी हुई सरकार को प्रेशर में लेने का काम किया जाता है,
ये लोकतंत्र नहीं कहता, ये देश का संविधान नहीं कहता। ठीक है अनिता जी, आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।